मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कौन होगा बड़ौदा का योद्धा, अब सर्वे करने के लिए निकला है गांव-गांव पे। अभी जो हम मेरे पीछे देख रहे हैं ये गांव है मुडलाना, और मुडलाना में हम एक ऐसा दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर चुनाव आते ही काम शुरू हो गया। यानी कि जैसे ही बड़ौदा का चुनाव का ऐलान हुआ तो यहाँ पर सड़क की व्यवस्था जर्जर थी, या कहें कि जो सड़क थी वो नालियों में तब्दील हो चुकी थी। अब जो काम है वो किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है और कब से दिक्कत थी और कौन बड़ौदा का योद्धा बनेगा, कौन यहाँ से विधानसभा में जीतेगा, यहाँ पर जनता भी है और गांव वाले भी है जो योद्धा बनाने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। इसी गाँव से हो जी? हाँ जी। तो कब से समस्या थी जी ये? ये समस्या तो 3-4 साल से थी, 4-5 साल से। 4-5 साल से? 1 मिनट और। 20 साल हो गए। एक ये पानी देखो नाली का। हाँ, ये एक बार दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो है निकासी की समस्या रहती है, और ये देखिए मच्छर है, और साथ में यहाँ पर जो यहाँ पर नाली तो है ही नहीं। अब जो नाली है वो नाला बन चुका है और निकासी नहीं है। दूसरी तरफ जो ठेकेदार है वो लिफा पोती करके सड़क का जो काम करना चाहते हैं। जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या कब से ये समस्या है? ये समस्या तो घने दिन से है जी। अच्छा, कितना टाइम हो गया फिर भी? ये तो 20 साल हो गए, 20 साल तभी बात तो होगी जी। तो फिर हुड्डा की सरकार रही है यहाँ पे? हुड्डा ने तो कुछ ना कराया जी। हुड्डा ने क्या करा? कुछ भी ना करा। अच्छा, हुड्डा आए नहीं कभी? नहीं जी, कभी नहीं आया। आया तो प्रेम गया है, जो 1-2-4 घर हम बस। अच्छा ना जी, और वो भी दीपेंद्र है, उड्डा का तो मतलब है नहीं है। दीपेंद्र उड़ा रहा है, भूपेंद्र नहीं आ रहा। दीपेंद्र और इस गांव में तो आया नहीं, गौशाला में 1-2 बार आया बस। अच्छा, ये समस्या जो है इसके बारे में आपने रखी हुई समस्या को अपने गांव की? यहाँ तो समस्या तो ये स्कूल है जी, कम से कम भी मास्टर के 10 बार लिख कर दी होगी सरकार को, 10 बार। अच्छा, 10 बार ये स्कूल है? हाँ जी, ये गवर्नमेंट का स्कूल है जी, ये लड़कों का, इधर लड़कियों का है। तो फिर अब तो चुनाव आ गया, अब तो बननी शुरू हो गई है? ओहो, इब तो लठाए बनाओगे, तो हमने वोट चाहिए हैं। वाजी वाह जी, क्या करें? पानी दे देखो ना जी, पानी दे देखो ना। पानी देख गया, और सरकार के काम है वो, सरकार के काम भी देख लिए। एक समस्या आ रहा जी, एक भाई और है, भाई युवा है, एक खट्टर सरकार ने कहा, एक मिनट युवा है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि देखो आने वाले समय में जो है इनके सरकार बनानी है उन्होंने। हाँ जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो समस्या है कब से समस्या थी भाई साहब? जो खट्टर सरकार है, कितनी नकम्मी सरकार है। नहीं नहीं, समस्या तो ये जो समस्या है ना, ये जो बनाने शुरू कर दिया 10-15 साल तक है, इसका अच्छा। कुछ समाधान नहीं, पार्टी हुई सड़क से। अच्छा, तो और जो या खट्टर सरकार है ना, या मतलब आप अपने मतलब रखी भी, इसने वोट चाहिए तो ये सड़क बनवा दी। अच्छा, इन्हें वोट चाहिए थे तो ये भी लगातार 6 महीने हो लिया नहर चल रही है। अच्छा, ना 10-15 इन 6 साल हो लिए थे, आज लगे नहर नहीं चली थी कदे भी। मतलब यह सरकार आप अपने मतलब इन्हें वोट चाहिए तो काम कर देगी, ये इलेक्शन हुए पाछे एक भी काम हो जाए ना गाँव में। 15 साल हो गए सड़क नहीं बनी, तो कहते हैं हुड्डा गढ़ है यहाँ पे, तो फिर कैसे चलेगा ना काम? हुड्डा तो दीपेंद्र तो 2-3 दिन पहले भी आया था। अच्छा, तो जब उनकी सरकार होगी जब तो कुछ करेंगे? नहीं नहीं, पहले तो 6 साल से सरकार को, उसको तो 6 साल हो है ना, इसको तो 6 साल हो, जब ऊपर जिसकी सरकार होगी जब तो काम हो, जब तो कुछ पिछले, अगर हम पीछे 6 साल से पहले की बात करें ना, बहुत काम हो ये स्कूल की, जो नई बिल्डिंग बना रखी है ये उनसे के उसके बना रखी है। तो फिर इस गांव में किसका लगा है जोर, किसका काम है, किसका जोर? दीपेंद्र का है। अच्छा, चलो जनता से जानते हैं और भी दोस्त। हाँ जी, हाँ जी, ये खेतों के कनेक्शन दे रहे, मोटर के पैसे भरवा लिए, सब सौदा हो गया, जमीन भी खाली है, ये हमारे को कनेक्शन कब दे देंगे, जबकि हमने मोटरों के पैसे करा दिए, खेतों के ट्यूबवेल के। अच्छा, हाँ, ये पानी बगैर बताओ, अब ये कनेक्शन अब भी नहीं दे रहे, ये पैसे भर दिए हमने सारे, ट्यूबवेल भी लगा लिए, मोटर के पैसे भर दिए, मीटर के पैसे भर दिए। नहीं, ये जो समस्या है आपने जो अब किसका, अब किसका ग्राफ मानते हैं यहाँ पे? अभी इलेक्शन है, इलेक्शन आ गया, किसका जिसका किसका नहीं पक्ष लगा है आपने? अभी अभी तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है यहाँ, कांग्रेस का पलड़ा भारी है। हाँ जी, लेकिन ताऊ तो अनुभव था भाई, बीजेपी वाले जोर है, ताऊ किसका लगा है जोर इस गाँव में जी? हाँ, इस गाँव में जी 3 पार्टियाँ का। कौन कौन सी का? इनेलो, कांग्रेस और ये क्या नाम है, बीजेपी। अच्छा, हाँ जी, तो फिर किसने जितवा रहे हैं फिर आप?
ये तो जी आप अपने मन तक कभी कांग्रेस की वोट दी नहीं। अच्छा दे नहीं, आज तक नहीं दिया, आगे भी नहीं दूँ जब तक जिंदा रहूंगा। अच्छा फिर ये सड़क किस तरह बन दिया, मतलब कि आपने वोट नहीं दी या फिर उस तरह किस तरह बन दिया? वाजी वाह, ये आपने लठाए बनाओ है तारी वोट मिल जा। अच्छा। वाजी वाह, मारी उस मना बना दी है मारी खास में। अच्छा। मारी तकलीफ थोड़ा देख रही है। ठीक ठीक ठीक, वाजी वाह। तो और भी गांव में ऐसी समस्याएं होंगी बहुत सारी? वो नौ चले जाओ भाई, इससे रोड पर का चले जाओ आप, देख देख दे बस आपने सारा पता चल जाएगा। ठीक ठीक, हाँ जी राम राम जी। राम राम जी, क्या नाम है जी? मेरा रूप राम है जी। रूप राम जी, क्या रूपरेखा है? रूपरेखा कांग्रेस की बढ़िया है जी। अच्छा तो कांग्रेस की रूपरेखा, तो ये सड़क का फिर रूपरेखा कैसे बदलगी दिखाना जी एक बार? नो बदलगी, ये इलेक्शन होगा। अच्छा, उस इलेक्शन में तो युगंध नहीं है, सारे रास्ते क्रॉस करे है। अच्छा, कड़े क्रॉस करे है, ये नॉन लीक रहे इसमें स्कूल के ग्राउंड में। ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा पिछले 10 साल का, 10 साल में नहीं बनी सड़क या फिर भी बनाई है? कम है 10-15 साल से कम दिक्कत आ रही है। बड़े थे हमारे वर्ग थे, 2-3 खड़दमा क्यों नठा कर नरवा पत्थर फेंक दिए। अच्छा हाँ, बने थी क्यों नहीं? अच्छा, तो फिर इब किस तरह लग रहे हैं? इब इस तरह लग रहे हैं, कल इलेक्शन हरिया चौड़ा बूंद दिखेगी इसमें, चाहे कांग्रेस पार्टी ला ले चाहे बीजेपी ला ले। अच्छा, तो फिर किसका जोर लगा है? किसका जोर आ रहा? कांग्रेस का है जी। अच्छा, तो फिर कांग्रेस के साथ ही जाओगे आप? तो हाँ जी, कांग्रेस के साथ। हाँ कते ही। ठीक ठीक ठीक, तो समस्या जो है बहुत बड़ी विकराल है, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो लोगों के पास सिर्फ यही एक समय होता है, मौका होता है, जिसके अंदर जो है अपनी समस्याओं को लोग रख सकते हैं। हाँ जी ताऊ जी, क्या कह रहे हैं? ये नहर चला थी यहाँ। अच्छा, पहले इसमें पहले सीजन में यू भाई भी सुना है, इसमें टोपा एक नहीं आया था, ये भी इलेक्शन का दौरान रहा है, इसमें नहर में पानी छोड़ना है सताई है, कति झूठ नहीं, 1% भी कति। अरे ये एक हफ्ते के लिए फिर छोटी थी, ये बात कल में वह बंद हो जाएगी। क्या छोटी है ये, क्या बात होगी? मतलब नहर है अकूपर तो इलेक्शन आवा है, ई बीच के उसमें यू पानी छोड़ दो और फिर कह दें अगर बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार में पानी आया है। अच्छा, और सब नो बेरा पाछा पानी ना आया, ई पानी यू किता है इलेक्शन के बाद फिर बंद हो जाएगा यू? यू बंद हो गया जी, या तो आज बंद हो जी। अच्छा, और तो फिर खेल चल रहा है? तो बस नो लगा लिया, बर्फी देवे है आदमी ठम हो जर, इसमें फिर नो कह देंगे योगेश्वर दत्त ने बा पानी लिया जर, बड़ी आदमी है ये, सारा टिकटा का रौड़ा है। टिकटा का रौड़ा है, तो फिर इबकी ने भेजेंगे टिकटा? देखे टिकटा मतलब कांग्रेस ने भेज दिया, भालू ने भेजेंगे? हाँ भालू ने, भालू एक नंबर का। सरकार का भी तो फर्क होता है, ऊपर सरकार है उसका फर्क भी तो है। देखो जी, सरकार का फर्क तो नो तो ठड्डा तो नो तो घर तो ठह ले जाने का क्यों है, पर नो कोई ही बात नहीं। सरकार की बात देख ली जी, बतेरी देख ली। अच्छा, देख ली बात, कुछ नहीं कर सरकार ने, बट बंधन सिर्फ जमींदार मजदूर के लिए। मेरा जन्ने शोगी मोनो धोड़ी में गाल के बेचूंगा, ऑनलाइन कर दिया, फलाना कर दिया, ढकड़ा कर दिया, 10 दिन तक पड़े बाजरे के दाने गण गण दाने ले हुए हैं। ठीक 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 ठीक, मंदा गलत कर ठीक कर रहा हूँ। तो फिर बताओ तुम किसका मूड बना रहे हैं? कांग्रेस का मूड? कांग्रेस का बना रहे हैं, कांग्रेस का जी कटी जमा। ठीक है ताऊ, ये समस्या जो है ना, ये कांग्रेस ये जो समस्या है ये 10-15 साल की समस्या है, लगभग 10-15 साल तो हो गए होंगे ताऊ ने। या टूटी पड़ी है, टूटे गई थी राजबीरी, बीच में पत्थर नहीं आए तो उठा कर भगा दिए थे। सरकार तो कोई भी हो ताऊ, सरकार तो कोई भी, फिर वह बात है जी, फिर जब इलेक्शन हो कोई भी बिजली का खंभा भी कौन कट गया? सरकारी आदमी आगे जात कर रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक बिजली का खंभा उठा कटना था जी। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, मेरे आव है को मन्ना वोट दे को मन्ना दे, वो टुकड़ा जी फंस जाए यार उसके चक्कर में है ना, आड़े कौन ट्रोडे लाई बैठा था। इसमें इलेक्शन होगा, सारी पब्लिक आ रही तो आएगी। देखिए नाले बाबत है ना, 1000 बार कह ली, सरपंच ते भी कह ली, आज तक इसकी नाले की कोई सफाई नहीं। सरपंच कौन सी पार्टी का बन रहा है? कांग्रेस पार्टी का है। अच्छा, फिर काम तो होना चाहिए था। फिर काम तो पार्टी का क्या मतलब यार, सरपंच बन गया तो उसका काम तो यू है सफाई करवाना। वही तो कहूँ, तो इसमें पार्टी का किसने जितवा रहे हैं? फिर किसने कौन संभाल सके? इसने कांग्रेस संभालेगी या बीजेपी या फिर नेलो या फिर कोई? सही संभालता, सारे एक से है, कूड़े पेट का खाना सबने। ये तो वोट तो पानी है, फिर भी वोट तो पानी है, फिर भी वोट तो पानी है, वो तो फिर भी दून सा काम करेगा उससे ना वोट से। अच्छा, उड्डागढ़ का है भाई, उड्डा काम भी बहुत करे, ऐसी बात नहीं है, उड्डा जितना काम किसी भी नहीं है।
पर जो हाल टाइम है वो के कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। काम गणा दे वो हल्का था छोड़ दो, इस गांव के काम गणा देता हूं। जो हल्के का काम चल लगा, हल्के का तो काम सामूहिक काम हो है, ये अकेले काम की क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। काम कराया था उन्होंने, उड्डन है काम कहाँ कराया ये सब। और पूछा थी सब तो इस बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब किराया किराया नहीं है। और बोलो भाई जी, फिर तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। ताऊ अगर मेरे साथ ताऊ की उम्र भी होगी तो मतलब कि समझ नहीं गलत थोड़ी ना हम इस बात इस तमन नु थोड़ी ना मतलब कि आपने बोल क्या काम करवाए हैं। तो मारे काम में कोई से ना इनके में कर लिया तो कोई बन का डाल लियो किस हमरे यार करया क्यों नहीं परेश बनाए परेश ई भी रपिया वो खाल बनाओ परेश बनाओ गरीब आदमी सारे लाए उन्हें कनेक्शन दिए ना मारा बजरा भी नहीं हो गरीब धान खड़े की सड़क बनाई है वो एक आदमी की सड़क थी पब्लिक की सड़क थी काम करने में तो सारे एक से हैं पर बाकी नो है उड़ास ठीक था। चलो ठीक है, तो यहाँ पर जनता से बात करने के बाद हमें ये बात समझ में आई है कि कहीं ना कहीं हुड्डा का जो लोगों से यहाँ का लगाव है वो भी है और कुछ काम भी करवाए होंगे 10 साल है, लेकिन जो समस्या है 15 साल से समस्या थी। और आज जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो चुनाव को देखते हुए लोगों का कहना है कि नाली की समस्या तो ऐसे की ऐसी ही है लोगों का कहना है, और सड़क जो ये नेताओं की गाड़ी आएगी उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है ताकि जो है चुनावी कैंपेन के अंदर जो नेता आएंगे उनको यहाँ पर आने में कोई दिक्कत ना हो और लोग ये ना कह सकें कि ये रास्ता जो है ख़राब है। साहब ये मजबूरी ये है, यहाँ पोलिंग के सिवाय इस गाँव में कोई जगह है ही नहीं। अच्छा ये तो पोलिंग यहाँ होती है जो सरकारी स्कूल है पोलिंग होगी इसमें भी और इधर भी इधर वाले में भी पानी पड़न लग गया था। अच्छा सरकार के मास्टर ने खुद रुपये देकर जब करवा रखा ये थोड़ी ईंट लाग रही है ना स्कूल के आगे आगे ये मास्टर ने रुपये लागे जब खुद करवा रखी है और सरपंच तो 1000 रुपये कह ली नाले साफ करवा दे आधा घंटे खत्म हो जाएगा ये दौरते नाला देखिए अट्टा पड़ा है पानी दान कर रहा नहीं। तो ये समस्या है और ये समस्या जो है आपको हर गांव में यहाँ बड़ौदा के दिखेगी। बड़ौदा के हल्के के 54 गांव हैं और 54 गांव के अंदर जो निकासी की समस्या है लगभग आपको दिखाएंगे हम वो समस्या भी दिखाएंगे और दोनों के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे कि बीजेपी ने 6 साल के अंदर कितना यहाँ काम किया है और हुड्डा ने 10 साल के अंदर कितना काम किया था। और काम हम जब सर्वे करेंगे तो हम यहाँ पर मुद्दों की बात करेंगे ना कि जाति की वोट कितनी है या फिर किसी की हलके का पैठ कितनी है। तो खबरों के लिए बने लिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ और जो भी गांव है उनका हम सर्वे आपको लगातार दिखाते रहेंगे और ये हाल जो है ये अब हर गांव का दिखेगा आपको। काम जो है 2-4 दिन के लिए चलेगा और इलेक्शन के बाद देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा। और मीडिया वाले भी सिर्फ इलेक्शन के दौरान यहाँ आएंगे गाँव में आएंगे और कैंपेन दिखाएंगे, लेकिन डेली हरियाणा न्यूज़ आपको गाँव की समस्याओं के बारे में भी और जो आसपास की जो सर्वे है नेताओं का वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।